दिल्ली जाए भी महत्वपूर्ण बैठक है, वही सुनिए जी को कमान देंगे। CWC के एक ही दिन में दो बैठकें हुई और काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ। पांच ग्रुप बनाए गए और सभी प्रदेशाध्यक्ष और CLP लीडर से भी अलग अलग राय शुमारी की गई और जो निष्कर्ष निकला उसमें यही है कि अंतरिम अध्यक्ष ग्रुप में सोनिया गांधी जी को पर एक बार फिर से सबने विश्वास व्यक्त किया है। वैसे तो सभी लोगों ने राहुल जी के बारे में कहा था कि वो फिर से संभाले, लेकिन राहुल जी ने कहा था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया है और उसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता, और ऐसी स्थिति में फिर सोनिया जी की जिम्मेदारी दी गई, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है और उनका लंबा अनुभव रहा है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक लंबे समय तक के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अनुभव सोनिया जी को है और उनके नेतृत्व में विधानसभा ही नहीं जीते बल्कि दो दो बार लोकसभा जीते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय हुआ है। जो असमंजस की स्थिति थी, जो बादल छटे हुए बादल छाए हुए थे, वो छट गए। तो आगे क्या होगा सर, कैसे चयन होगा, कुछ उस पे बात ही है आगे अध्यक्ष के चयन के लिए? पूर्णकालिक अध्यक्ष, देखिए जब अध्यक्ष यदि इस्तीफा दे दे तो ऐसे समय में जो कांग्रेस के संविधान में ये व्यवस्था है कि जब तक के अगला अध्यक्ष नहीं चुना जाता, ये ICC का गठन नहीं हो जाता, तब तक के अंतरिम अध्यक्ष होते हैं और इसके बाद जब फिर अब मेंबरशिप होगा, मेंबरशिप के बाद प्राइमरी मेंबर प्राइमरी इकाई या उसके बाद फिर ब्लॉक जिला प्रदेश PCC ICC का गठन होगा और उसके बाद वो चुनाव होता है, तब तक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जवाहरलाल नेहरू के लिए अमित शाह जी के बारे में उनको क्या कहना चाहिए? जिस समय नेहरू जी राजनीति कर रहे थे और देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए उसमें सबसे ज़्यादा समय तक के जेल में जेल काटने वाला कोई व्यक्ति है हिंदुस्तान में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि देश के आज़ादी के लड़ाई के लिए जेल जाना यदि क्राइम है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह के नज़र में, तो ऐसे क्राइम हम लोग करते रहेंगे। ये विकास दर राज्यों की जारी हुई है उसको लेकर डॉक्टर अमन सिंह का कल बयान आया कि जो आर्थिक स्थिति है वो खराब है इसलिए विकास दर गिरी है, ऐसा कहना है? रमन सिंह जी अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे के हैं। बहुत छोटी सी बात है, ये जो आंकड़े आए हैं वो 18-19 के हैं, ये उनके कार्यकाल के हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस समय का है, कि उन्होंने फिर जवाब तो उनको देना चाहिए कि कम कैसे हुआ, सबसे फिसड्डी राज्य कैसे बना, और पूरा प्रदेश जानता है कि प्रदेश को बर्बाद करने वाला कोई आदमी है, कमीशन खोरी को बढ़ावा देने वाला कोई व्यक्ति है तो रमन सिंह जी हैं, और उसके कारण से ये जो GDP है वो कम आया है। आप लोग भी सुनिए, मैं सब पूरे प्रदेश के आम नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि लोकवाणी में जो सवाल आम जनता ने किए उसके जवाब हैं उसमें। आज मिनी माता जी की पुण्यतिथि है और मैं सबसे पहले वहीं जाऊंगा और मिनी माता जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनका जो मातृत्व भाव था सबके प्रति और सबको लेके चलती थी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता और उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए बहुत काम किया। लोकसभा में बिल पारित कराने में जो प्रस्तुत उन्होंने किया है वो उनका सबसे सर्वाधिक बड़ा योगदान है। अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर उठाने के लिए उन्होंने आजीवन उन्होंने कार्य किया। धन्यवाद।